दोस्तों, ये मीठी चीज कोई और नहीं बल्कि गाजर है। दरअसल ये दिल और मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन कंपाउंड की वजह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आप बीमारियों से दूर रहते हैं तथा अन्य कई तरह की बीमारियां भी आपके आसपास नहीं भटकती। इससे कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। वहीं गाजर का इस्तेमाल आप कई तरह से कर सकते हैं, सलाद में खाएं या सूप में इस्तेमाल करें। गाजर ने हमेशा से हमारा दिल जीता है। गाजर बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन से समृद्ध होता है। ये आंखों की दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट स्रोत है। गाजर फाइबर से युक्त होता है जो पाचन और वजन घटाने में मदद करती है। डीके पब्लिशिंग हाउस की किताब हीलिंग फूड्स के मुताबिक गाजर में सिलिकॉन होता है जो स्वस्थ त्वचा और नाखूनों को बढ़ावा देती है। मधुमेह के रोगियों के लिए गाजर का इस्तेमाल इसलिए फायदेमंद है क्योंकि गाजर की शुगर आसानी से पच जाती है। गाजर खाने का एक और बड़ा फायदा यह होता है कि इससे मधुमेह की समस्या से बचा जा सकता है। जब आप गाजर को रोजाना अपने भोजन में शामिल करते हैं तो इससे आपके शरीर में मौजूद इंसुलिन की मात्रा बरकरार रखने में आपको मदद मिलती है। असल में शरीर में पेंसिक्रेंस ग्लैंड से इंसुलिन न बनने के कारण मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। यह हार्मोन उसी शुगर को एनर्जी या ऊर्जा में बदल देते हैं जो आपके खाने के जरिए ली हो। इतना ही नहीं, ये खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण में रखता है और इससे बढ़ने से रोकता है। जरूरत के बाद बाकी बची अतिरिक्त या फालतू शुगर ग्लाइकोजन में बदल कर पेट और मांसपेशियों पर एकत्रित हो जाता है। गाजर में प्राकृतिक शुगर होता है इसलिए यह स्वाद में मीठा और नुकसानदायक भी नहीं होता। क्यूरियन हेल्डेक्स अंकुर सनागी रिपोर्ट।